पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज पहली बरसी, जानिए कौन थे सिद्धू मूसेवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी, मैं शिवानी आपके साथ। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पंजाब में मानसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाला पर फायरिंग की। मूसेवाला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन के बाद उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वहीं दूसरी ओर उनके चाहने वालों पर भी दुख का पहाड़ टूटा। सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद परिवार और उनके फैंस लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सिद्धू सिंह मूसेवाला ने हाल ही में पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और नवजोत सिंह सिद्धू से नजदीकियां होने के कारण कांग्रेस में शामिल हो गए। सिद्धू मूसेवाला मानसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, हालांकि वो हार गए। आइए जानते हैं कि कौन है सिद्धू मूसेवाला। आपको बता दें कि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग ने ली थी। यह भी खुलासा हुआ कि यह पूरी तरह साजिश को कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड ने अंजाम दिया था, जिसमें लॉरेंस के भाई अनमोल और भांजे सचिन थापन भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 35 आरोपियों को नामजद किया था, इसमें से 4 की मौत हो चुकी है। 4 आरोपी विदेश में बैठे हैं। वही पंजाब पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच पूरी कर ली गयी है। कोर्ट में 1850 पेज का चालान पेश किया गया। हालांकि मूसेवाला का परिवार इससे नाखुश है। बता दें कि मूसेवाला की हत्या में 6 शूटर प्री व्रत फौजी अंकित शेरशाह कशिश, दीपक मुंडी, मनप्रीत मन्नू और जगत रूप सिंह रूपा शामिल है। पुलिस ने फौजी शेरशाह कशिश और मुंडी को गिरफ्तार कर लिया है। मन्नू और रूपा की मुलाकात अटारी बॉर्डर के पास हुई थी। इसके साथ ही मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस और जग्गू गैंग में भिड़ंत हो गई। कुछ दिन पहले पंजाब की गोइंदवाल जेल में लॉरेंस और जग्गू के गुंडे आपस में भिड़ गए थे, जिसमें जग्गू गैंग के शूटर मणि राय उर्फ तूफान व मनमोहन उर्फ मोना मनसा मारे गए। यह गैंगवार मूसेवाला की हत्यारों के बीच हुई थी। वायरल हो रहे पहले वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन भिवाड़ी जेल के अंदर मारे गए मनदीप तूफान और मनमोहन मोहना के शव को दिखा रहा था, लेकिन सचिन भिवाड़ी और उसके साथी गैंगस्टर खुलेआम दोनों की लाशों का प्रदर्शन कर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। वहीं दूसरे में लॉरेंस के बाकी साथी सचिन भिवाड़ी के साथ थे, जिसमें से वह तूफान और मोहना को मारने का जश्न मना रहा था। इसके साथ ही धमकी दे रहा था कि अगर मूसेवाला को मार दिया तो किसी को बख्शेंगे नहीं। इतना तय था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बदले की भावना से की गई थी। आपको बता दें कि 7 अगस्त वर्ष 2021 को युवा अकाली नेता बिक्की मधुखेड़ा की हत्या कर दी गई। गैंगस्टर लोहित बिश्नोई को शक था कि बिक्की मधुखेड़ा को मारने वाला शूटरों को मूसेवाला ने पनाह दी थी। बिक्की मधुखेड़ा गैंगस्टर लोरेंस का करीबी था, इसे बम्बिया ग्रो ने मार डाला था। इसके बाद लोरेंस गैंग के बदमाश कई महीनों तक मूसेवाला की रैकी कर रहे थे और फिर उन बदमाशों ने रविवार 29 मई 2022 को मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की मां बरसी से एक दिन पहले उस जगह पर पहुंची, जिस जगह पर उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान मां चरण कौर ने अपना माथा उस सड़क पर टेक कर चूमा, इसके साथ ही अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मां बेटे को याद कर रोती रही। बताया जा रहा है कि इस दौरान परिवार ने बेटे की याद में उसी जगह पर सुखमणि साहब का पाठ करवाया। तो ऐसे ही बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।